उत्तम सत्य। सत्य धर्म की चर्चा जब भी चलती है तब तब प्रायः सत्य वचन को ही सत्य धर्म समझ लिया जाता है। सत्य धर्म के नाम पर सत्य वचन के ही गीत गाए जाने लगते हैं। कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। दुकानदारी में भी जिसकी एक बार सत्यता की धाक जम गई सो जम गई, फिर चाहे दुगने पैसे भी क्यों ना ले, कोई नहीं पूछता। जरा विचार तो करो कि यह सत्य वचन बोलने का उपदेश है या सत्य की ओट में लूटने का। मेरे कहने का प्रयोजन यह है कि हम सत्य वचन का भी सही प्रयोजन नहीं समझते हैं तो फिर सत्य धर्म की बात तो बहुत दूर है। सामान्य जन तो सत्य वचन को सत्य धर्म समझते ही हैं, किंतु आश्चर्य तो तब होता है कि जब सत्य धर्म पर वर्षों से व्याख्यान करने वाले विद्वज्जन भी सत्य वचन से आगे नहीं बढ़ते हैं। यद्यपि सत्य वचन को भी जिनागम में व्यवहार से सत्य धर्म कह दिया गया है और उस पर विस्तृत प्रकाश भी डाला है, उसका भी अपना महत्व है, उपयोगिता है, तथापि जब गहराई में जाकर निश्चय से विचार करते हैं तो सत्य वचन और सत्य धर्म में महान अंतर दिखाई देता है। सत्य धर्म और सत्य वचन बिल्कुल भिन्न भिन्न दो चीजें प्रतीत होती हैं। ध्यान रहे, यहां पर जिनागम में वर्णित उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य आदि दश धर्मों में जो उत्तम सत्य धर्म कहा गया है उसकी चर्चा अपेक्षित है। यहां सत्य धर्म का समस्त विश्लेषण उक्त प्रसंग में ही किया जा रहा है। गांधी जी ने भी सत्य को वचन की सीमा से ऊपर स्वीकार किया है। वे सत्य को ईश्वर के रूप में देखते हैं। जहां सत्य की खोज, सत्य की उपासना की बात चलती है, वहां निश्चित रूप से सत्य वचन की खोज अपेक्षित नहीं होती, वरन कोई ऐसा महत्वपूर्ण अव्यक्त सत्य अपेक्षित होता है जो उपास्य हो, आश्रय के योग्य हो। दार्शनिकों और आध्यात्मिकों का उपास्य, आश्रयदाता सत्य मात्र वचन रूप नहीं हो सकता। जिसके आश्रय से धर्म प्रकट हो, जो अनंत सुख शांति का आश्रय बन सके, ऐसा सत्य कोई महान चेतन तत्व ही हो सकता है। उसे वाग विलास तक सीमित नहीं किया जा सकता, उसे वचनों तक सीमित करना स्वयं ही सबसे बड़ा असत्य है। आचार्यों ने वाणी की सत्यता और वाणी के संयम पर भी विचार किया है, पर उसे सत्य धर्म से अलग ही रखा है। वाणी की सत्यता और वाणी के संयम को जीवन में उतारने के लिए उन्होंने उसे चार स्थानों पर बांधा है: सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति। मुख्य रूप से स्थूल झूठ नहीं बोलना सत्यानुव्रत है, सूक्ष्म भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना सत्य महाव्रत है। सत्य भी कठोर, अप्रिय, असीमित ना बोलकर हितमित एवं प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है, और बोलना ही नहीं वचन गुप्ति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनागम में वचन को सत्य एवं संयमित रखने के लिए उसे चार स्थानों पर प्रतिबंधित किया है। तात्पर्य यह है कि यदि बिना बोले चल जावे तो बोलो ही मत, न चले तो हितमित प्रिय वचन बोलो, और वह भी पूर्णतः सत्य। यदि सूक्ष्म असत्य से ना बच सको तो स्थूल असत्य तो कभी ना बोलो। यहां वचन को अस्ति और नास्ति अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ओर से पकड़ लिया है। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत और भाषा समिति में क्या बोलें और कैसे बोलें के रूप में अस्ति को तथा वचन गुप्ति में बोले ही नहीं अर्थात मौन के रूप में नास्ति को ले लिया है। इस तरह यहां बोलना और नहीं बोलना वाणी के दोनों ही पहलुओं को ले लिया गया है। वाणी को इतना संयमित कर देने के बाद अब क्या शेष रह जाता है कि जिस कारण सत्य धर्म को भी आप भाषा की सीमा में बांधना चाहते हैं। सत्य धर्म को वचन तक सीमित कर देने से एक बड़ा नुकसान यह हुआ कि उसकी खोज ही खो गई।
जिसकी खोज जारी हो उसका मिलना संभव है, पर जिसकी खोज ही खो गई हो वह कैसे मिले। जब तक सत्य को समझते नहीं खोज चालू रहती है, किंतु जब किसी गलत चीज को सत्य मान लिया जाता है तो उसकी खोज भी बंद कर दी जाती है। जब खोज ही बंद कर दी जावे तो फिर मिलने का प्रश्न ही कहां रह जाता है। हत्यारे की खोज तभी तक होती है जब तक कि हत्या के आरोप में किसी को पकड़ा नहीं जाता। जिसने हत्या नहीं की हो यदि उसे हत्या के अपराध में पकड़ लिया जाए, सजा दे दी जाए, तो असली हत्यारा कभी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब तो फाइल ही बंद हो गई। अब तो जगत की दृष्टि में हत्यारा मिल ही गया, उसे सजा भी मिल गई। अब खोज का क्या काम? जब खोज बंद हो गई तो असली हत्यारे का मिलना भी असंभव है। इसी प्रकार जब सत्य वचन को सत्य धर्म मान लिया गया तो फिर असली सत्य धर्म की खोज का प्रश्न ही कहां रहा। सत्य वचन को सत्य धर्म मान लेने से सबसे बड़ी हानि यह हुई कि सत्य धर्म की खोज खो गई। सत्य धर्म क्या है? यह नहीं जानने वाले जिज्ञासु कभी ना कभी सत्य धर्म को पा लेंगे, क्योंकि उनकी खोज चालू है। पर सत्य वचन को ही सत्य धर्म मानकर बैठ जाने वालों को सत्य पाना संभव नहीं। अणुव्रत गृहस्थों के होते हैं, मुनियों के नहीं। महाव्रत मुनियों के होते हैं, गृहस्थों के नहीं। इसी प्रकार भाषा समिति और वचन गुप्ति मुनियों के होती है, गृहस्थों के नहीं। अणुव्रत, महाव्रत, गुप्ति और समिति गृहस्थों और मुनियों के होते हैं, सिद्धों के नहीं, अविरत सम्यक दृष्टियों के भी नहीं। जबकि उत्तम समाधि दश धर्म अपनी अपनी भूमिकानुसार अविरत सम्यक दृष्टियों से लेकर सिद्धों तक पाए जाते हैं। वाणी पुद्गल की पर्याय है और सत्य है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म आत्मा में रहता है, शरीर और वाणी में नहीं। जो आत्मा के धर्म हैं उनका संपूर्ण धर्मों के धनी सिद्धों में होना अनिवार्य है। उत्तम समाधि दश धर्म जिनमें सत्य धर्म भी शामिल है सिद्धों में विद्यमान है, पर उनके सत्य वचन नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि निश्चय से सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। यहां एक प्रश्न संभव है कि क्या अणुव्रत महाव्रत धर्म नहीं? क्या समिति गुप्ति भी धर्म नहीं? अणुव्रत और महाव्रतों को आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में आश्रवाधिकार में लिया है। यद्यपि उन्हें कहीं कहीं उपचार से धर्म कहा है, पर जो आश्रव हों, बंध के कारण हो, उन्हें निश्चय से धर्म संज्ञा कैसे हो सकती है? गुप्ति समिति भी उत्तम सत्य धर्म नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस उत्तम सत्य धर्म की चर्चा यहां चल रही है, गुप्ति समिति वह धर्म नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुप्ति समिति आदि के अतिरिक्त पृथक रूप में दश धर्मों की चर्चा आचार्यों ने की है। यदि सभी को धर्म ही कहना है तो इनको अलग से धर्म कहने का क्या प्रयोजन? जिस अपेक्षा से इन्हें पृथक से धर्म कहा है, उसी अपेक्षा से मैं कहना चाहूंगा कि वे सब इन दश धर्मों में से कोई धर्म नहीं है, अथवा जिनकी चर्चा चल रही है वह सत्य धर्म वे नहीं हैं। अधिक स्पष्ट कहूं तो निश्चय से वचन का सत्य धर्म से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अणुव्रतियों और महाव्रतियों का सत्य बोलना सत्याणुव्रत और सत्य महाव्रत में जाएगा, हितमित प्रिय बोलना भाषा समिति में तथा नहीं बोलना वचन गुप्ति में समाहित हो जाएगा। अब वचन की ऐसी कोई स्थिति शेष नहीं रहती जिसे सत्य धर्म में डाला जावे। यदि सत्य बोलने को सत्य धर्म माने तो सिद्धों के सत्य धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वे सत्य नहीं बोलते। वे बोलते ही नहीं तो फिर सत्य और झूठ का प्रश्न ही कहां उठता है? क्या सत्य धर्म के धारी को बोलना जरूरी है? क्या जीवन भर मौन रहने वाला सत्य धर्म का धारी नहीं हो सकता? इससे बचने के लिए यदि यह कहा जाए कि वे सत्य तो नहीं बोलते पर झूठ भी तो नहीं बोलते, अतः उनके सत्य धर्म है।
तो फिर सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं रहा, बल्कि झूठ नहीं बोलना सत्य धर्म हुआ। पर यह बात भी तर्क की तुला पर सही नहीं उतरती, क्योंकि यदि झूठ नहीं बोलने को सत्य धर्म माने तो फिर वचन व्यवहार से रहित एकिंद्रिय आदि जीवों को सत्य धर्म का धारी मानना होगा, क्योंकि वे भी कभी झूठ नहीं बोलते। जब वे बोलते ही नहीं तो फिर झूठ बोलने का प्रश्न ही कहां उठता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ना तो सत्य बोलना ही सत्य धर्म है और ना झूठ नहीं बोलना ही। सीधी सी बात यह है कि जिस सत्य धर्म की चर्चा यहां चल रही है वह ना सत्य बोलने में है ना हित मित प्रिय बोलने में, वह बोलने के निषेध रूप मौन में भी नहीं, क्योंकि ये सब वाणी के धर्म है और विवक्षित सत्य धर्म आत्मा का धर्म है। जो वास्तविक धर्म हैं वे पूर्णता प्रकट हो जाने के बाद समाप्त नहीं होते। उत्तम समाधि धर्म सिद्धावस्था में भी रहते हैं, पर अणुव्रत महाव्रत एक अवस्था विशेष में ही रहते हैं। वे उस अवस्था के धर्म हो सकते हैं, आत्मा के नहीं। गृहस्थ अणुव्रत ग्रहण करता है, किंतु जब वही गृहस्थ मुनि धर्म अंगीकार करता है तो महाव्रत ग्रहण करता है, अणुव्रत छूट जाते हैं। जो छूट जावे वह धर्म कैसा? अणुव्रत महाव्रत गुप्ति समिति ये सब पड़ाव हैं, गंतव्य नहीं, प्राप्तव्य नहीं, अंतिम लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य सिद्ध अवस्था है। उसमें भी रहने वाले उत्तम समाधि धर्म जीव के वास्तविक धर्म है। अब हमें उस सत्य धर्म को समझना है जो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक चतुर्गति के सभी मिथ्या दृष्टि जीवों में नहीं पाया जाता, एवं सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्धों तक सभी सम्यक दृष्टि जीवों में अपनी अपनी भूमिकानुसार पाया जाता है। द्रव्य का लक्षण सत है, आत्मा भी एक द्रव्य है, अतः वह सत स्वभावी है। सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो शांति स्वरूप वीतराग परिणति उत्पन्न होती है उसे निश्चय से सत्य धर्म कहते हैं। सत्य के साथ लगा उत्तम शब्द मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। मिथ्यात्व के अभाव बिना तो सत्य धर्म की प्राप्ति ही संभव नहीं है। जब तक यह आत्मा वस्तु का, विशेष कर आत्म वस्तु का सत्य स्वरूप नहीं समझेगा, तब तक सत्य धर्म की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। जिसकी उत्पत्ति ही ना हुई हो उसकी वृद्धि और समवृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्म वस्तु की सच्ची समझ आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए प्रयोजन भूत अनात्म वस्तुओं का तो मात्र सत्य ज्ञान ही अपेक्षित है, किंतु आत्म वस्तु के ज्ञान के साथ साथ अनुभूति भी आवश्यक है। अनुभूति के बिना सम्यक आत्मज्ञान संभव नहीं है। उत्तम सत्य अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित वीतराग भाव। सत्य बोलना तो निश्चय से सत्य धर्म है ही नहीं, पर मात्र सत्य जानना सत्य मानना भी वास्तविक सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि मात्र जानना और मानना क्रमशः ज्ञान और श्रद्धा गुण की पर्याय हैं, जबकि सत्य धर्म चारित्र गुण की पर्याय है, चारित्र की दशा है। उत्तम समाधि दश धर्म चारित्र रूप हैं, यह बात दश धर्मों की सामान्य चर्चा में अच्छी तरह स्पष्ट की जा चुकी है। अतः सत्यवाणी की बात तो दूर, मात्र सच्ची श्रद्धा और सच्ची समझ भी सत्य धर्म नहीं, किंतु सच्ची श्रद्धा और सच्ची समझ पूर्वक उत्पन्न हुई वीतराग परिणति ही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है। नियम नाम चारित्र का है। नियम की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंद नियम सार में लिखते हैं, सुह असुह वयन रयणम रायादि भाव वारणम किच्चा अप्पाणम जो झायदि तस्सदु नियमम हवे नियमा। शुभाशुभ वचन रचना का
और रागादि भावों का निवारण करके जो आत्मा को ध्याता है उसे नियम से अर्थात निश्चित रूप से नियम होता है। यहां भी चारित्र रूप धर्म को वाणी अर्थात शुभाशुभ वचन रचना और रागादि भावों के अभाव रूप कहा है। सत्य धर्म भी चारित्र का एक भेद है, अतः वह भी वाणी और रागादि भावों के अभाव रूप होना चाहिए। सत अर्थात जिसकी सत्ता है, जिस पदार्थ की जिस रूप में सत्ता है उसे वैसा ही जानना सत्य ज्ञान है, वैसा ही मानना सत्य श्रद्धान है, वैसा ही बोलना सत्य वचन है और आत्मस्वरूप के सत्य ज्ञान श्रद्धान पूर्वक वीतराग भाव की उत्पत्ति होना सत्य धर्म है। असत की सत्ता तो सापेक्ष है, जीव का अजीव में अभाव, अजीव का जीव में अभाव अर्थात जीव की अपेक्षा अजीव असत और अजीव की अपेक्षा जीव असत है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत और परचतुष्टय की अपेक्षा असत है। वस्तुतः लोक में जो कुछ भी है वह सब सत है, असत कुछ भी नहीं है, किंतु लोगों का कहना है कि हमें जगत में असत्य का ही साम्राज्य दिखाई देता है, सत्य कहीं नजर ही नहीं आता। पर भाई, यह तेरी दृष्टि की खराबी है, वस्तु स्वरूप की नहीं। सत्य कहते ही उसे हैं जिसकी लोक में सत्ता हो। जरा विचार करें कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यह घट है, इसमें तीन प्रकार की सत्ता है। घट नामक पदार्थ की सत्ता है, घट को जानने वाले ज्ञान की सत्ता है और घट शब्द की भी सत्ता है। इसी प्रकार पट नामक पदार्थ, उसको जानने वाले ज्ञान एवं पट शब्द की भी सत्ता जगत में है। जिनकी सत्ता है वे सभी सत्य हैं। इन तीनों का सुमेल हो तो ज्ञान भी सत्य, वाणी भी सत्य और वस्तु तो सत्य है ही। किंतु जब वस्तु, ज्ञान और वाणी का सुमेल ना हो, मुंह से बोले तो पट और इशारा करे घट की ओर, तो वाणी असत्य हो जाएगी। इसी प्रकार सामने तो हो घट और हम उसे जाने पट, तो ज्ञान असत्य अर्थात मिथ्या हो जाएगा। वस्तु तो असत्य होने से रही, वह तो कभी असत्य हो ही नहीं सकती, वह तो सदा ही स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि असत्य वस्तु में नहीं, उसे जानने वाले ज्ञान में, मानने वाली श्रद्धा में या कहने वाली वाणी में होता है। अतः मैं तो कहता हूं कि अज्ञानियों के ज्ञान, श्रद्धान और वाणी के अतिरिक्त लोक में असत्य की सत्ता ही नहीं है, सर्वत्र सत्य का ही साम्राज्य है। वस्तुतः जगत पीला नहीं है, किंतु हमें पीलिया हो गया है, अतः जगत पीला दिखाई देता है। इसी प्रकार जगत में तो असत्य की सत्ता ही नहीं है, पर असत्य हमारी दृष्टि में ऐसा समा गया है कि वह जगत में दिखाई देता है। सुधार भी जगत का नहीं, अपनी दृष्टि का, अपने ज्ञान का करना है। सत्य का उत्पादन नहीं करना है, सत्य तो है ही, जो जैसा है वही सत्य है, उसे सही जानना है, मानना है। सही जानना मानना ही सत्य प्राप्त करना है और आत्म सत्य को प्राप्त कर राग द्वेष का अभाव कर वितरागता रूप परिणति होना सत्य धर्म है। यदि मैं पट को पट कहूं तो सत्य है, किंतु पट को घट कहूं तो झूठ है। मेरे कहने से पट घट तो हो नहीं जाएगा, वह तो पट ही रहेगा। वस्तु में झूठ ने कहां प्रवेश किया? झूठ का प्रवेश तो वाणी में हुआ। इसी प्रकार यदि पट को घट जाने तो ज्ञान झूठा हुआ, वस्तु तो नहीं। मैंने पट को घट जाना, माना या कहा, इसमें पट का क्या अपराध है? गलती तो मेरे ज्ञान या वाणी में हुई है। गलती सदा ज्ञान या वाणी में ही होती है, वस्तु में नहीं। गलती जहां हो वहां मिटनी चाहिए, जहां हो ही नहीं वहां मिटाने के व्यर्थ प्रयत्न से क्या लाभ? दाग चेहरे पर है और दिखाई दर्पण में देता है।
कोई दर्पण को साफ करे तो दाग नहीं मिटेगा, परंतु दर्पण के साफ हो जाने से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। दाग मिटाने के लिए चेहरे को धोना चाहिए। फोटोग्राफर के पास जाकर लोग कहते हैं, मेरा बढ़िया फोटो खींच दीजिए। पर भाई साहब, फोटो तो आपकी जैसी सूरत होगी वैसी आएगी, बढ़िया कहां से आएगा? आपको अपना फोटो खिंचाना है कि बढ़िया? आपका खिंचेगा तो बढ़िया ना होगा, और फोटो बढ़िया होगा तो फिर वह आपका नहीं होगा, क्योंकि यदि आपकी सूरत ही बढ़िया ना हो तो फोटो बढ़िया कैसे आएगा? वस्तुतः तो जैसा है वैसे का नाम बढ़िया है, पर दुनिया कहां मानती है? किसी की एक आंख है और फोटो में दोनों आ जाएं तो फोटो बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया भले कहा जाए पर वह वास्तविक ना होगा। हम तो वास्तविक को ही बढ़िया कहते हैं। वस्तु जैसी है वैसा जानने का नाम सत्य है, अच्छी बुरी जानने का नाम सत्य नहीं। वस्तु में अच्छे बुरे का भेद करना राग द्वेष का कार्य है। ज्ञान का कार्य तो वस्तु जैसी है वैसी जानना है। हम किसी वस्तु को कहीं सुरक्षित रखकर भूल जाते हैं और कहते हैं कि अमुक वस्तु खो गई है, पर वस्तु खोई है या उसका ज्ञान खोया है? वस्तु तो जहां रखी थी वहां अभी भी रखी है। वस्तु को नहीं, उसके ज्ञान को खोजना है। असत्य या तो वाणी में होता है या ज्ञान में, वस्तु में नहीं। वस्तु में असत्य की सत्ता ही नहीं है। वस्तु को अपने ज्ञान और वाणी के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता, और बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता अपने ज्ञान और वाणी को वस्तु स्वरूप के अनुरूप बनाने की है। जब ज्ञान और वाणी वस्तु के अनुरूप होंगे तब वे सत्य होंगे। जब आत्मा सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से वितराग परिणति प्राप्त करेगा तब सत्य धर्म का धनी होगा। जितने अंश में प्राप्त करेगा उतने अंश में सत्य धर्म का धनी होगा। वाणी की सत्यता के लिए वाणी को वस्तु स्वरूप के अनुकूल ढालना होगा। सत्य बोलने के लिए सत्य जानना जरूरी है। सत्य को जाने बिना सत्य कैसे बोला जा सकता है? बहुत से लोग कहते हैं, इसमें क्या है, जैसा देखा जाना सुना वैसा ही कह दिया सो सत्य है। इसी आधार पर वे कहते हैं कि सत्य बोलना सरल है और झूठ बोलना कठिन, क्योंकि उनके अनुसार सत्य बोलने में क्या है, जैसा देखा जाना सुना वैसा ही कह दिया। पर झूठ बोलने के लिए योजना बनानी पड़ती है। घर में सब लोगों को ट्रेन करना पड़ता है कि कहीं झूठ खुल ना जाए। एक झूठ के पीछे हजार झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी उसके खुल जाने की शंका बनी ही रहती है। जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया या फोन की घंटी बजी, दरवाजा खोलते ही या फोन का रिसीवर उठाते ही सामने वाले ने पूछा, अमुक व्यक्ति है? यदि सत्य कहना है तो तत्काल कह दिया है अथवा नहीं, पर यदि झूठ कहना है तो देखता हूं, आप कौन हैं, क्या काम है आदि लंबी प्रश्न सूची उसके सामने खड़ी करनी होगी और अंदर पूछकर उत्तर दिया जाएगा। यदि बालक यह चपरासी झूठ बोलने में कुशल ना हुआ तो यह भी कह सकता है कि पिताजी कहते हैं या साहब कहते हैं कि कह दो घर पर नहीं है। यदि उसने ठीक ठीक कह भी दिया कि नहीं है, फिर भी किसी दूसरे के द्वारा कभी पर्दाफाश भी हो सकता है। अतः उसके अनुसार सत्य बोलना आसान है और झूठ बोलना कठिन। पर मेरा कहना है कि यह सारी कवायद झूठ बोलने के लिए नहीं, झूठ छिपाने के लिए करनी पड़ती है। झूठ को सत्य का लबादा पहनाने के लिए करनी पड़ती है। झूठ बोलने में क्या है, बिना सोचे समझे चाहे जो बोलते जाइए वह गारंटी से झूठ ही होगा। कोई पूछे, दिल्ली में कितने कौए हैं? सत्य बोलने वाले को सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि वह उत्तर दे ही ना पाए, या यह कहना पड़ेगा कि मुझे नहीं मालूम। पर झूठ बोलने वाले को क्या, कुछ भी संख्या बता दे। बिना गिने जो भी संख्या बताएगा वह झूठ तो गारंटी से होगी ही। मैं ही आप लोगों से पूछता हूं
कि आजकल सूर्य कितने बजे उगता है। बताइए, आप चुप क्यों हो गए? इसलिए कि आप झूठ बोलना नहीं चाहते और सत्य का पता नहीं है। झूठ ही बोलना है तो कुछ भी कह दीजिएगा, किंतु सत्य बोलने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अतः बिना सोचे समझे सत्य नहीं बोला जा सकता। सत्य बोलने के पहले सत्य जानना बहुत जरूरी है। यह बात प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लौकिक वस्तुओं के बारे में बोला गया झूठ भी यद्यपि पाप बंध का कारण है, तथापि प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में बोला गया झूठ तो महान पाप है, अनंत संसार का कारण है, अपना और पर का बड़ा भारी अहित करने वाला है। अतः यदि वस्तु तत्व की सही जानकारी नहीं है तो अनाप शनाप बोलने से नहीं बोलना, चुप रहना हितकर है। मुक्ति के मार्ग में सत्य बोलना अनिवार्य नहीं, किंतु सत्य जानना, सत्य मानना और आत्म सत्य के आश्रय से उत्पन्न वीतराग परिणति रूप सत्य धर्म प्राप्त करना जरूरी है। क्योंकि बिना बोले मोक्ष हो सकता है, पर बिना जाने माने और तदरूप परिणमित हुए बिना नहीं। सत्य जानने पर जीवन भर भी न बोले तो कोई अंतर न पड़ेगा, पर जाने बिना नहीं चलेगा। अग्नि को कोई गर्म ना कहे तब भी वह गर्म रहेगी। उसे गर्म रहने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे कोई गर्म कहे ही। इसी प्रकार उसे कोई गर्म ना जाने तब भी वह गर्म रहेगी। उसी प्रकार वस्तु का सत्य स्वरूप भी वाणी की अपेक्षा नहीं रखता और ना वह ज्ञान की ही अपेक्षा रखता है। वह तो सदा सत्य ही है। उसे उसी रूप में जानने वाला ज्ञान सत्य है, मानने वाली श्रद्धा सत्य है, कहने वाली वाणी सत्य है और तदनुकूल आचरण करने वाला आचरण भी सत्य है। हम मूल सत्य को ही भूल गए हैं तो उसके आश्रय से होने वाले ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र एवं वाणी के सत्य हमारे जीवन में कैसे प्रकट हों? अंतर में विद्यमान ज्ञानानंद स्वभावी त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व ही परम सत्य है। उसके आश्रय से उत्पन्न हुआ ज्ञान, श्रद्धान एवं वीतराग परिणति ही उत्तम सत्य धर्म है। आज का युग समझौतावादी युग है। अति उत्साह में कुछ लोग वस्तु तत्व के संबंध में भी समझौते की बात करते हैं, किंतु वस्तु के सत्य स्वरूप को समझने की आवश्यकता है, समझौते की नहीं। वस्तु के स्वरूप में समझौते की गुंजाइश भी कहां है और उसके संबंध में समझौता करने वाले हम होते भी कौन हैं? समझौते में दोनों पक्षों को झुकना पड़ता है। समझौते का आधार सत्य नहीं, शक्ति होती है। समझौते में सत्यवादी की बात नहीं, शक्तिशाली की बात मानी जाती है। अग्नि कैसी है, ठंडी या गर्म? यह बात जानने की तो हो सकती है, पर इसमें समझौते की क्या बात है? यदि कोई कहे कि अग्नि ठंडी है और कोई कहे गर्म है, तो इसमें क्या समझौता हो सकता है? 50% ठंडी और 50% गर्म मानी जाए क्या? यदि ना माने तो समझौता नहीं होगा, मान लें तो सत्य नहीं रहता। वस्तु के सत्य स्वरूप को आपका समझौता स्वीकार भी कहां है? यदि आपने सर्वसम्मति से भी अग्नि को ठंडा मान लिया तो क्या अग्नि ठंडी हो जाएगी? नहीं, कदापि नहीं। अग्नि तो जैसी है वैसी ही रहेगी। अग्नि कैसी है, इसके बारे में पंचायत बैठाने के बजाय छूकर देखना सही रास्ता है। उसी प्रकार सत्य वस्तु तत्व के बारे में पंचायत बैठाने के बजाय आत्मानुभव करना सही मार्ग है। वस्तु के स्वरूप की सत्य समझ का नाम धर्म है। सत्य को समझौते की नहीं, समझने की आवश्यकता है। सत्य और शांति समझ से मिलती है, समझौते से नहीं। इस चमत्कार प्रिय जगत में सत्य की आवश्यकता भी किसे है? उसे प्राप्त करने की एकमात्र तमन्ना किसे है, तड़प किसे है? उसकी कीमत भी कौन करता है?
यहां तो चमत्कार को नमस्कार है। एक साधारण सा जादूगर चौराहे पर खड़ा होकर लोगों से झूठा आम बताकर सैकड़ों रुपए बटोर लेता है, जबकि एक कृषक को सच्चे आम के 50 पैसे प्राप्त करना कठिन होता है। वास्तविक आम खरीदते समय लोग हजार मीन मेख निकालते हैं। जादूगर तो मात्र आम दिखाता है, देता नहीं, पर कृषक देता भी है। जादूगर के पास आम है ही नहीं, वह दे भी कहां से? वह तो धोखा देता है, हाथ की सफाई बताता है, हमारी नजर बंद करता है। पर इस जगत में धोखा देने वाला आदर पाता है, धन पाता है। हमें उसकी महिमा आती है जो हमारी नजर बंद करता है, उसकी नहीं जो खोलता है। लोग कहते हैं, क्या गजब किया, आम था ही नहीं और दिखा दिया, है ना कमाल? पर मैं कहता हूं, कमाल है या धोखा? ज्ञानी तो उसे कहते हैं जो है उसे दिखाए, जो नहीं है उसे बताने वाला तो धोखेबाज ही हो सकता है। पर लोग सत्य के प्रति उत्साहित नहीं होते, महिमावंत नहीं होते, धोखे से प्रभावित होते हैं। कहते हैं, सत्य में क्या है, वह तो है ही, उसे दिखाने में क्या रखा है? कमाल तो जो नहीं है उसे दिखा देने में है। असत्य के प्रति बहुमान वालों को सत्य प्राप्त होना कठिन ही नहीं, असंभव है। सत्य, सत्य की रुचि, महिमा, लगन वालों को ही प्राप्त होता है। आत्म सत्य की तीव्र रुचि जागृत हो, उसकी महिमा आवे, उसे प्राप्त करने की तीव्रतम लगन लगे, उसे प्राप्त करने का अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जगे और सत्य की प्राप्ति ना हो, यह संभव नहीं है। सत्य के खोजी को सत्य प्राप्त होता ही है। आत्म वस्तु के त्रैकालिक सत्य स्वरूप के आश्रय से उत्पन्न होने वाला वीतराग परिणति रूप उत्तम सत्य धर्म जन जन में प्रकट हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं।